1924 जापान में इजबुरो यूनो नाम के टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने हचिको नाम के एक पप्पी को एडॉप्ट किया। प्रोफेसर हचिको को अपने बेटे की तरह प्यार करते और हचिको भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता। प्रोफेसर जब यूनिवर्सिटी जाते तो हचिको भी उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाता और कई घंटों बाद उनके वापस आने तक उनका इंतजार वहीं पर करता और उन्हीं के साथ घर लौटता। 20 मई 1925 को हचिको रोज की तरह अपने मालिक के वापस आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस दिन उसके मालिक वापस नहीं आए और न ही आने वाले थे, क्योंकि उसी दिन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते समय ब्रेन हेमरेज से अचानक उनकी मौत हो गई थी। उस दिन के बाद प्रोफेसर के मालिक ने हचिको की देखभाल करना शुरू करी, लेकिन हचिको प्रोफेसर को नहीं बुला पाया। हचिको रोज प्रोफेसर के वापस आने के टाइम रेलवे स्टेशन जाता और ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के चेहरों में अपने मालिक के चेहरे को ढूंढता। हचिको ने ये काम एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, बल्कि पूरे 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक बिना रुके हुए किया और अंत में 18 मार्च 1935 को टर्मिनल कैंसर की वजह से हचिको की मौत हो गई। हचिको की समाधि उसकी मालिक की समाधि के बगल में ही बनाई गई और उस रेलवे स्टेशन पर हचिको की पीतल की स्टैचू बनाई गई जो आज भी मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि हचिको को दुनिया का सबसे वफादार कुत्ता भी माना जाता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हचिको की वफादारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।